पंजाब में सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा बिजली को आगामी विधानसभा चुनावों के लिए मुद्दे के तौर पर भुनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फ्री बिजली या बिल माफ तो तभी होंगे जब बिजली आएगी। मौजूदा सरकार तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी कहावत पर काम कर रही है। ना मिलेगी बिजली और ना ही आएंगे बिल। लेकिन जनता का दर्द ये है कि बिजली तो नहीं मिल रही, लेकिन बड़े बड़े बिल जरूर आ रहे हैं। पठानकोट व्यापार मंडल ने बिजली कटों पर रोष जताया है। मंडल सदस्यों ने सरकार पर तीखे सवाल दागे हैं। बर्बाद हो, बर्बाद हो, बर्बाद पंजाब सरकार हो, बर्बाद हो, बिजली दे कट लान वाली सरवा करन वाली सरकार मुर्दाबाद, 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 पंजाब, पंजाब सरकार मुर्दाबाद। सर कट लग रहे ने लगातार, की कहना हैगा? कहना की है जी, जान कट ली है व्यापारियों की। तो पूरे पंजाब दे विच मसा मसा त्यौहार के दिन आए थे, सोच लगी सी कि चलो यार जो दो साल की भुख पई दी है थोड़ी बहुती रोटी का जगाड़ बनया घर असी बच्चों से रोटी लै जावे। डरते डरते माल पाए, पावर ना पावर, पावर आएगी तो पावर साढ़े आएगी ना, ये पावर ही है नहीं साढ़े, पावर कितों आनी है? ये आपस लड़न के अपनी सब सारी पावर लाई जाते पे ना, एक दूजे को प्रधान बनाने तो लाने के सारी पावर लाई जाते पे ना, तो लोगों को पावर कितों देंगे? हुणे मेरे साथी दसे करते अनप्लांड सारा पंजाब चलाए करते हैं, अखबारां दसे करदी एक 8 दिन का कोले का स्टाक है इन्हां कोल। इन्हां नूं कौन पुछण वाला कि बिजली क्यों दे के क्यों बंद की इन्हां ने? इन्हां नूं कौन पुछण वाला सारा सिस्टम दे विच कि बिजली जे नहीं है तो पंजाब चलेगा किदां? लोगों नूं मुफ्त चीज़ां बंडन दे वल तुर पे ना, पर जिहड़े मुल एडे एडे वड्डे बिजली दे बिल दे के ते बिजली मंगदे पे ने उन्हां दा की कसूर है? अज कारखाने बंद ने, अज वड्डियां वड्डियां दुकानां बंद ने, अज छोटी छोटियां दुकानां बंद है, अज गरीब मजदूर काम किदां करेगा जे बिजली बिजली नहीं आएगी? तो उन्हां दी दिहाड़ियां ही बेकार ने। और मैं समझना ये सरकार नूं तुरंत ते तुरंत सचेत होना चाहिए। जे सरकार सचेत नहीं होएगी तो आने वाले इलैक्शन एदा पलीता नहीं लभना। व्यापारियों ने तो कम से कम तय कर लिया कि जे ये व्यापारी व्यापार नूं मारू सरकार ने यह जिद फड़ के, बाकी सब का तो ध्यान रखना, किसानों का भी ध्यान रखना रखो, तुसी होर सारे का ध्यान रखना रखो, पर व्यापारी का ध्यान किन रखना? दो किसान मरते हैं तो कहते शहादत उपर असी फुल चढ़ा जावे। पठानकोट के दो व्यापारियों ने सुसाइड की है, कौन जिम्मेवार है इस चीज़ का? कि सरकार सुध लैन आई है इन्हों? और उस तो बाद जो व्यापारी अपने अपने पैरों से आपे खिलौना चाहता वै, खिलौना चाहता, खिलौन क्यों नहीं दे रही सरकार? और एडे एडे वे बिजली के बिल देने तैयार ने पर बिजली देने नहीं। सवेरे 6 बजे तो लैके दोपहर 3 बजे तक का कट सी कल का, और अज का भी कट सवेर का शुरू हो गया वै। असी कि कल्पना कर लेंगे अपने कारोबार कर लिए जी? और दिन त्यौहार ऐदा ही रोने पिटने से निकल गए, तो उस तो बाद फिर रोना पिटना सर्दियों का शुरू हो गया। ए व्यापारियों ने एडे वे माल भरे दुकाना च। मेरी ये सरकार दे के हाथ जोड़ के बेनती है कि सुधर जाओ, जे नहीं सुधरे तो इस बार जनता ने तुहानू सुधार देना जे, ते अपने आप नू खुद सुधारो, नहीं तो जनता तैयार जे तुहानू सुधारन लई। देखो अज असी पंजाब सरकार दे फेलीअर सिस्टम दे उपर, जिहड़ा कि पंजाब दा पावर फेलीअर सिस्टम है, उहदे अगेंस्ट अपना रोष प्रगट कर रहे हैं। सरकार दे विच मुख्यमंत्री दा बदलिया जाना आम पब्लिक दे कोई असर नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टेट नूं चलाउण लई वख-वख डिपार्टमेंट है जिन्हां दे विचकार उन्हां दे सीईओ तक बने ने। बिजली बोर्ड की एक प्लानिंग कमेटी है, बिजली बोर्ड का एग्जीक्यूशन कमेटी है, इमीजिएट आल ऑफ सडन पंजाब स्टेट दे विचकार पावर कट लग जाते हैं, हाहाकार मच जाता है। अज पठानकोट दे विचकार 8 तों 9 घंटे के पावर कट ने। अगर तुसीं कैलकुलेट करो दिन चढ़ते पावर कट शुरू होंदे, राती 12 बजे भी पावर कट लगता। व्यापारी स्टेट नूं चला रहा, व्यापारी रोज़गार के साधन पैदा कर रहा, व्यापारी अपने फंड्स दे नाल अपने पैसे दे नाल अपने बिजनेस नूं चलांदा, स्टेट नूं रेवन्यू दिंदा, पैसा कमा के दिंदा। सरकार उहदे बारे की सोच रही है? 10 घंटे का व्यापारी का वर्किंग टाइम होंदा, वो 10 घंटे विचकार अगर तुसीं 9 घंटे का पावर कट लगा दोगे तो व्यापारी तो व्यापारी दे नाल जुड़े आए वो सारे ही मैंबरस, वो स्टाफ मैंबर ने, वो ग्राहक ने, वो सारे ही वेले हो जाएंगे। अज गर्मी के मौसम के विचकार जदों असीं दुकान विच बैठे हाँ पावर नहीं है, असीं की काम कर सकते हैं? त्यौहारों का सीजन है जी सर, त्यौहारों के सीजन ध्यान से तुसीं देखो, त्यौहारों का सीजन जड़ा बड़ी उम्मीद लैके आया,
व्यापारी जान पई है कि दो साल के कोविड के टाइम तो बाद एक उम्मीद जागी है कि माहौल नॉर्मल होया, असी चार पैसे वटांगे साढ़े घर तो साढ़े काम करने वाले साथियों के घर कुछ रौनक आएगी। लेकिन पावर कट ने साढ़े व्यापार में चौपड़ कर दिता। पावर कट के विचकार कोई खरीदार घरों नहीं निकलता। गर्मी के विचकार ना पखे चल रहे ना बैटरिया नहीं, जो तो 9 घंटे का पावर कट है बैटरी चार्ज नहीं होती। अगर व्यापारी सहूलत दे जनरेटर लगा 106 रुपये का 1 लीटर जनरेटर है, अद्धा घंटा चलता, 106 रुपये का डीजल है पर लीटर, 3 घंटे चलाने दे एवरेज दुकानदार 500 रुपये का खर्चा आता है। क्या 9 घंटे चलाने लिए 1000 रुपये आम दुकानदार अफोर्ड कर सकता? सोचने वाली गल है कि असी व्यापार नू स्टेट नू कित्थे लैके जा रहे हैं। पठानकोट व्यापार मंडल पुरजोर निंदा करता है, निखित सरकार दे अगेंस्ट अपनी आवाज़ बुलंद करता है कि यह सरकार हर काम दे विच फेल है, हर फ्रंट दे फेल है, सिर्फ आपसी लड़ाई दे विच कार जनता नू उलझा के रखे है, अखा बंद करने की कोशिश कर रहा है। साडा आह्वान है कि सरकार अखा खोले, व्यापारियों वाल देखे, स्टेट दे विच कार पावर नू रेगुलेट करे ताकि व्यापारी अपने व्यापार नू इन्हां त्यौहारां दे विचकार सुचारू रूप से चला सकन, चंगे दिन वापस आ चुकन। मेरा एहो सिया इंटीरियर अब आपको पठानकोट शहर में लाकर दे रहा है आपके सपनों के घर को सजाने का डेकोर मटेरियल। सिया इंटीरियर यहां आपको मिलेगा खूबसूरत फर्नीचर, ड्राइंग एंड लिविंग रूम डेकोरेटिव इंटीरियर और भी बहुत कुछ जो आपके ड्रीम हाउस को बनाएगा सबसे खास, क्योंकि आपका घर खूबसूरत फर्नीचर और इंटीरियर के बिना अधूरा है। सिया इंटीरियर एक ऐसा एक्सक्लूसिव शोरूम जहां सिर्फ घर को ही नहीं सपनों को सजाने की बेहतरीन कलेक्शन मिलती है जो आपके घर को बनाएगा दूसरों से सुंदर और आकर्षक। तो सिया इंटीरियर पर आइए और अपने सपनों को साकार कीजिए। हैप्पी फर्नीचर एंड इंटीरियर टू यू। रागी होम डेकोर गिव योर होम ऑफिसेज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर वॉल सीलिंग फर्नीचर एंड डोर पैनल एंड एलिगेंट लुक। एक्सपर्ट इन यूवी पीवीसी वॉल वॉलपेपर्स, पार्टीशन जाली आपकी काल्पनिक सोच को उतारे आकार में और आकार सवारे। वार्ड नंबर 11 नियर नोबेल्टी मॉल ममून रोड पठानकोट।